मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर दस्तक दी है। कोरोना से संक्रमित 3 नए केस मिलने से प्रदेश में चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदौर में 2 और जबलपुर में नॉर्वे से आई एक महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई है। कोरोना के नए केस मिलने से सरकार अलर्ट हो गई है। वहीं इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को नए दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी केंद्र की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। कोविड समेत दूसरी बीमारियों से निपटने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। बता दें कि केंद्र सरकार के मुताबिक JN1 SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का एक उपप्रकार है जो कोविड-19 का कारण बनता है। इसका एक नया मामला केरल से सामने आया था। इस सब वेरियंट को ओमिक्रॉन सब वेरियंट का ही एक रूप बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह नया वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसमें सर्दी इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षण सामने आ सकते हैं। वहीं इससे पहले बीते बुधवार केंद्र सरकार ने राज्यों की बैठक बुलाई थी। इसमें प्रदेश से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इस दौरान राज्यों को सर्दी खांसी जुकाम होने पर जाँच बढ़ाने के साथ ही अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन दवा से लेकर सभी इंतजाम की तैयारी करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें RT-PCR और रैपिड जांच के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में इलाज के इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले मॉकड्रिल में कई जगह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के नहीं चलने के मामले सामने आए थे। इन्हें भी ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क पहने, भीड़ भरे इलाकों में जाने से बचें, ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।